1920 उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में हुए छात्र संघ के चुनाव में समाजवादी छात्र सभा पैनल से जीते। छात्र संघ के पदाधिकारियों का जो विवरण है मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों पर और डॉक्टर लोहिया और बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए समाजवादी छात्र सभा के करीब 11 महाविद्यालय और 2 विश्वविद्यालयों में चुनाव हुए, जिसमें देश के प्रधानमंत्री की संसदीय सीट के काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ का चुनाव हुआ उसमें समाजवादी छात्र सभा के पैनल की तरफ से श्री संदीप यादव जी अध्यक्ष इस बार चुने गए। काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के ही पुस्तकालय मंत्री पद पर श्री अमित पटेल जी विजयी हुए। वाराणसी के ही हरिश्चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय वाराणसी में अध्यक्ष पद पर श्री नागेश्वर प्रसाद चौरसिया जी ने विजय प्राप्त की। इसी हरिश्चंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उपाध्यक्ष इसी हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उपाध्यक्ष पद पर श्री सीएम श्रीवास्तव जी ने विजय प्राप्त की। इसी हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महामंत्री पद पर श्री अमन श्रीवास्तव जी ने विजय प्राप्त की। पुस्तकालय मंत्री पर श्री आशीष यादव जी ने विजय प्राप्त की। और उसके मिर्जापुर के जीडी बिनानी कॉलेज में अध्यक्ष पद पर श्री धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी ने विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर श्री अरविंद यादव जी ने विजय प्राप्त की और महामंत्री पद पर श्री वीरेंद्र पाल जी विजयी रहे। मऊ के डीसीएस के पीजी कॉलेज के अध्यक्ष पद पर श्री सूरज सिंह गोलू जी ने विजय प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर श्री अखिलेश भारती जी ने विजय प्राप्त की। पुस्तकालय मंत्री पद पर श्री फैयाज अहमद जी ने विजय प्राप्त की। कला संकाय पर श्री आमिर हमजा जी ने विजय प्राप्त की। राजकीय महाविद्यालय ओबरा सोनभद्र में अध्यक्ष पद पर श्री सतीश यादव जी ने विजय प्राप्त की और वही महामंत्री पद पर श्री हरजोत सिंह मोगा उन्होंने विजय प्राप्त की। और इसी डिग्री कॉलेज में पुस्तकालय मंत्री पद श्री मुकेश जायसवाल जी ने विजय प्राप्त की। इसी के साथ साथ आजमगढ़ के भी 4 महाविद्यालयों पर चुनाव हुए और 5 महाविद्यालयों पर समाजवादी छात्र सभा के अध्यक्ष पद का फाइनल अध्यक्ष जीता। डीवीए कॉलेज के श्री अमर बहादुर जी, गांधी शताब्दी महाविद्यालय के श्री अभिषेक जी, श्री दुर्गा पीजी कॉलेज चित्तेश्वर आजमगढ़ के श्री विकास यादव जी और शिवाजी पीजी कॉलेज तरही पर श्री चंद्रजीत जी भारी मतों से चुनाव जीते हैं। सिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में अध्यक्ष पद पर श्री अब्दुल रहमान जी विजय प्राप्त किए हैं और विधि संकाय पर श्री मुस्तकीम कामरान जी ने विजय प्राप्त की है। इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 11 काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय को मिलाकर 11 महाविद्यालयों में भी चुनाव हुए, जहाँ पर अगर एक महाविद्यालय छोड़ दिया जाए उसको छोड़कर लगभग सभी महाविद्यालय और काशी विद्यापीठ को मिलाकर सब पर अध्यक्ष पद पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों से और उनके आदर्श पर चलकर समाजवादी छात्र सभा ने विजय प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ डेली यूनिवर्सिटी के
कुछ कॉलेज के भी हमारे पास पदाधिकारी मौजूद हैं, जहां करोरीमल कॉलेज से श्री अखिलेश यादव जी ने अध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की है। इसी करोरीमल कॉलेज पर श्री अंशुल यादव जी ने वाइस प्रेसिडेंट पद पर जो है विजय प्राप्त की है। हंसराज कॉलेज में श्री राहुल जी जनरल सेक्रेटरी पर विजयी हुए हैं। राहुल जी हैं। श्री अमित जी सेंट्रल काउंसलर, अमित जी हैं, श्री अमित यादव जी सेंट्रल काउंसलर मनोनीत हुए हैं सत्यवती कॉलेज में। इस तरह से हाँ, बलिया से विशाल यादव जी मजबूत और उसी कॉलेज से महामंत्री पद पर भी, और मुगल सराय में भी उपाध्यक्ष पद पर विशाल यादव जी विजयी हुए हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बनाकर आप वंदन स्वागत अभिनंदन करें। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव बंद कराए और बहुत सारे महाविद्यालयों पर भी चुनाव बंद कराए हैं, जहां आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशन पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में पिछली बार तिथि घोषित होने के बावजूद भी एक दलित परिवार से आने वाली बेटी का जब नामांकन हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने चुनाव बंद करा दिए, क्योंकि उन्हें यह डर था कि कहीं वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हार ना जाए। ठीक इसी तरह बस्ती में भी जहां तीन कॉलेजों में चुनाव होते थे उन पर भी चुनाव पदबंध लगा दिया गया। आगरा विश्वविद्यालय में भी पदबंध लगाया गया, मेरठ में भी लगाया गया, और बहुत सारे कॉलेज जहां पर छात्र संघ के चुनाव होते थे, सिद्धार्थनगर के भी कई कॉलेज हैं, बहुत सारे कॉलेजों पर जहां चुनाव होते थे उन पर वो चुनाव पर पदबंध लगा दिया गया। और इस अवसर पर मैं आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने आशीष वचनों से हम लोगों को नवाजें। परमादरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के नेतागण, यहाँ विजयी होकर आए छात्र संघ के पदाधिकारीगण और उपस्थित नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं जो विजयी होकर आए हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बधाई के साथ ही उनकी जिम्मेदारियाँ और बढ़ी हैं। आज देश जिस तरफ जा रहा है और जिस परिस्थितियों में हमारे देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है जहाँ लोकतंत्र अपने आप समाप्त हो जाएगा, इसलिए नौजवानों आपकी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि नौजवान ही क्रांति का वाहक होता है। दुनिया में जब कभी क्रांति हुई है और परिवर्तन की धारा चली है तो उसमें सबसे ज़्यादा नौजवानों की भागीदारी रही है। आज भी आपके जीत के साथ ही ये चुनौती आपके सामने है, और आप ही को नहीं सभी नौजवानों के सामने है कि इससे निजात कैसे मिले। जिस धारा में हिटलर शाही के रूप में जिस तरह से इस सरकार को जिस तरह से सरकार अपने नीतियों को, अपने विचारों को लोगों को ऊपर लादने का प्रयास कर रही है, अगर उसका मुंहतोड़ जवाब हम आप नहीं दे सके तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, जीते हुए लोगों को, और आपको यह भी आपको ये याद दिलाता हूँ कि अब जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है। जहाँ अपने विद्यार्थियों के समस्याओं को लेकर आप लड़ेंगे, वहीं आपको देश और समाज की समस्याओं को लेकर भी लड़ना है। मैं फिर एक बार आपको, जीते हुए लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूँ कि वो जिन परिस्थितियों में जिस तरह से सरकार काम कर रही है
उसका मुकाबला करते हुए जीत के आए, इसलिए इस पर और बधाई और आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत धन्यवाद। मैं अब काशी विद्यापीठ के जो अध्यक्ष श्री संदीप यादव जी हैं उनसे निवेदन करता हूं मंच पर आए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब चुनाव था तो संदीप बुरी तरह बीमार थे, जब चुनाव की घोषणा हुई तो संदीप यादव हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनके सीने में इन्फेक्शन था और बुरी तरह बीमार थे, लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ समाजवादी छात्रसभा के पदाधिकारियों ने और इनके तमाम साथियों ने मिलकर इन्हें चुनाव लड़ाया। और ये जहां एक तरफ पुलिस उत्पीड़न में लगी हुई थी, तमाम पदाधिकारियों पर मुकदमे लगाए गए थे, उनके कैंपस में पदबंध लगा दिया गया था, लेकिन फिर भी आपके आशीर्वाद से समाजवादी छात्रसभा ने वहां परचम लहराया। आदरणीय श्री संदीप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालक महोदय, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का, जो हम जैसे के नेता, गरीबों, नौजवानों, किसानों, दलितों, शोषितों, वंचितों के नेता है। मैं हम जैसे साधारण परिवार के और छात्र संघ के अध्यक्ष को एक मंच प्रदान करने का काम किया, मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ मंच पर उपस्थित सभी नेतागण को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूँ। और काशी से आए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नौजवान, जो हमें चुनाव जिताने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो मेरे लिए संघर्ष किए, जिनकी वजह से आज मैं अध्यक्ष हो पाया, मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, हम लोगों के नामांकन में जुलूस निकला था, उस समय जो एबीवीपी के लोग थे, प्रशासन के द्वारा हम लोगों के ऊपर हमला किया गया, जैसा कि अभी कुछ देर पहले वीडियो चल रहा था, आप सभी लोग देखे होंगे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं कि हमारे ऊपर जिस जीप पे हम सवार थे उस पर हमला किया गया, हमारे लोगों ने हमें बचा के निकाला वहां से और हमारे तमाम साथियों को मारा गया। प्रशासन वहां मूक दर्शक बनी रही, देखती रही, उनका साथ देती रही, और उसके बावजूद हमारे साथियों के ऊपर मुकदमे लाद दिए गए, उन्हें परेशान किया गया कि वो कैंपस ना आ पाए, कैंपस छोड़ दे, जिनमें मुख्य रूप से हमारे राहुल सोनकर पूर्व महामंत्री का चुनाव लड़ चुके हैं, अनिल यादव जी पूर्व महामंत्री, अभिषेक मिश्रा आरडी जी छात्रसभा जिला अध्यक्ष, अतुल सिंह जी, रतनदीप सिंह, सुनील सिंह कट्टा, अनुराग यादव, निशू यादव, अनिल सोनकर जी, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिन्होंने मुझे मंच प्रदान करने का कार्य किया। और इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, एक आपसे अनुरोध है, विनती है कि पूरे पूर्वांचल में एकमात्र विश्वविद्यालय जहाँ पे छात्र संघ चुनाव हो रहा है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जब वहाँ से आ रहा था तो वहाँ के नौजवान कहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप विद्यापीठ बुलाने का काम करिए, हम उनको सुनना चाहते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप समय दीजिए काशी विद्यापीठ को, छात्र संघ के लिए अपने बहुमूल्य कीमती समय से एक दिन का समय दे दीजिए, जो हम लोग बनारस ही नहीं, पूर्वांचल ही नहीं, पूरे देश में समाजवाद को फैलाने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी के सम्मान की बात आएगी, आपके सम्मान की बात आएगी, मैं सबसे पहले लड़ने का काम करूँगा और आवश्यकता वही तो अपनी खून भी बहा दूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि हमारे विद्यापीठ के बहुत साथी आए हैं, दो दो मिनट का अगर समय दे दें आप तो मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय लोहिया। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी की परंपरा जहां गरीब परिवार से निकलकर नौजवानों को राजनीति में मुख्य धारा में लाने की रही है, उसमें एक और कड़ी में हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अध्यक्ष श्री नागेश्वर प्रसाद चौरसिया को मैं आवाज़ देना चाहता हूं, आएं और अपने उद्बोधन से नौजवानों को संबोधित करें।
बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित आदरणीय युवा हृदय सम्राट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे गरीब परिवार के बेटे को राजनीति में कदम रखने का सबसे बड़ा सहयोग प्राप्त प्रदान किया और आज इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर बोलने का भी हमें सौभाग्य प्रदान किया। उसके साथ मैं धन्यवाद देता हूं यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त कार्यकर्तागणों को, और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भैया जो कि हमारे बनारस के आन बान शान भी कहलाते हैं और बनारस के युवा के हृदय सम्राट श्री अवनीश यादव विक्की जी, जो कि वर्तमान में पार्षद भी हैं समाजवादी पार्टी के। और धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भैया श्री सतीश यादव जी का, जो कि समाजवादी पार्टी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष जी हैं। अगर मैं यहां पर छात्र संघ का पदाधिकारी बनकर आपके बीच में खड़ा हूं तो सबसे बड़ा योगदान हमारे भाई, हमारे भैया लोगों का है। और भी हमारे भाई हैं जिनका मैं नाम इस मंच पर लेना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे जिताने के लिए दिन रात एक किया। सबसे पहला नाम लूंगा अभिषेक यादव कन्हैया जी का, शंभू बेनवंशी जी का, कृष्णा यादव इलू जी का, पवन यादव जी का। मैं दिल से आप धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, छात्र एकता जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक जीडी पिलानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर, एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाला नौजवान, मैं आवाज दूंगा श्री धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी को, वो आए और बहुत चंद समय अपनी बात रखे। धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी जल्दी आइए। इस सभागार में उपस्थित सभी नौजवान साथी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सभी इस मंच पर उपस्थित अतिथिगण के चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। मैं छात्र संघ अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य जी डी बिन्नानी पीजी कॉलेज मिर्जापुर से बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और बता देना चाहता हूँ मैं कि मेरे चुनाव में बहुत से अत्याचार किए गए। मैं एक गरीब परिवार से था जो कि मुझे जब मैं चुनाव लड़ने आया तो मुझे किसी ने अनुमति नहीं दी। जो विपक्ष के लोग थे वो बोले तुम चुनाव मत लड़ो। मेरे घर जाकर मेरे परिवार वालों से बोले कि इसको चुनाव मत लड़ाइए, जितना पैसा हो ले लीजिए हमसे। लेकिन मेरा भी मन था नहीं, मैं भी आऊँगा समाज में, मैं भी सबका समाज सेवा करूँगा। यहाँ तक कि मेरे घर में मेडिकल स्टोर चलता था लालगंज में, उसको उन लोगों ने अपना रिश्ता जोड़ के उसको बंद करा दिया गया चुनाव को लड़ने की वजह से कि इन लोग का पेट में लात मार देंगे, रोजी रोटी छीन लेंगे। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ से हार नहीं मानी, मैंने फिर भी चुनाव लड़ा और बहुत अत्याचार किए गए। मेरे छासभा के जिला अध्यक्ष अभय भैया भी जी बहुत साथ दिए और पूर्व अध्यक्ष प्रेजेंट में जो बैठे हुए हैं दीपक मौर्या जी, जय मंगल जी, सब लोगों का साथ था। बहुत चीज बता देना चाहता हूँ भैया जी, इस प्रेजेंट में जो हमारी सरकार चल रही है भाजपा,
कह तो रहे हैं भाजपा सरकार है, ये तो साला लगता है कि ढोंगियों का सरकार है। बोलते हैं, बोल रहे हैं कि बहू बेटी सुरक्षित हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कैसे बेटी बेची पढ़ रहे हैं बच रही हैं, जहां देखो वहां बलात्कार, और बलात्कार तो बाबा लोग ही कर रहे हैं। हम लोगों को लगता है कि अभी बहू बेटियों का ही बलात्कार हो रहा है, कुछ समय में हम लोगों जैसे नौजवान का भी बलात्कार ना होने लगे। बोलते थे माननीय प्रधानमंत्री जी आप लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे। हमने भी सोचा चलिए गरीब घर का हूँ, खाता खुलवा लेता हूँ, कहीं से 15 लाख रुपए आ जाएंगे, कहीं रोजी रोटी कर लूंगा। वो भी नहीं आया, 1 रुपए गया, जब खाता चेक करवाया 1 रुपए नहीं आया। हम कहे फालतू में सब चला गया भैया। उसके बाद क्या हुआ, फिर खाता होता भी नहीं खुला, और अपने तो बोलते हैं कि मैं गरीब घर से था, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गया। बताइए हम लोग किसान के बच्चे हैं तो क्या हम लोग इस देश में, हम लोग का हक नहीं है आने का, गरीबों का आवाज सुनने का, हमारे पिछड़े भाई लोगों का आवाज उठाने का? हमारे पिछड़े भाई लोग इसी तरह दबते रहेंगे? बताइए, ऐसे बोलते हैं, ऐसी सरकार है। तो सब लोगों से, छात्र भाइयों से निवेदन है कि 2022 में अपनी सरकार बननी चाहिए। हम लोगों में छात्र एकता में इतनी उबाल है, खून है कि जहां चाहेंगे उतर जाएंगे, खून की नदियां बहा देंगे। जब दो पहाड़ों के बीच से नदी निकलती है ना, किसी से नहीं पूछती है कि सागर कितनी दूर है। कहते हैं ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चौड़े में कोटि कोटि प्रणाम। छात्र अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य, आप सब अपना आशीर्वाद जरूर बनाइएगा छोटे भाई के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, हम आपको समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ से पूरा आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं की लड़ाई लड़ती आई है जो गरीब दबे कुचले लोग हैं, और आपके कांधे से कांधा मिलाकर हम हमेशा आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं इसी बीच आवाज देना चाहता हूं श्री अमन श्रीवास्तव जी से, जो महामंत्री है स्नातकोत्तर महाविद्यालय से आए और थोड़े समय में बात रखते। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करता हूं, तदुपरांत मंच पर उपस्थित समस्त नेतागण व हमारे अभिभावक स्वरूप इस सभागार में उपस्थित समस्त जनों को प्रणाम करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्व की पुरातन नगरी गंगा के किनारे बसे एक सांस्कृतिक सभ्यता के श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में आने वाले बनारस के श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय से महामंत्री पद का प्रत्याशी था, और आज आपके बीच में पदाधिकारी बनके उपस्थित हूं। वहां पे आपको बता देता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि कायस्थों की संख्या 90 है, और 90 कायस्थों में पूरे महाविद्यालय में 1753 मत पड़े थे, जिसमें से 1115 मत पाने का कार्य मैंने किया था। मैं सबसे पहले यहां उपस्थित हमारे जो अभिभावक महोदय हैं उनको साधुवाद करना चाहता हूं, क्योंकि बनारस की धरती से चल के लखनऊ की धरती नवाबों के शहर में आके आपके समक्ष उपस्थित होकर के आपसे प्रेरणा लेकर के वो बढ़ने का कार्य करते हैं, और आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि जितने साथी मेरे यहां आए थे आपने सबको बढ़ाने का कार्य किया और यहां बुलाने का कार्य किया। सबसे पहले महानगर के अध्यक्ष श्री सतीश यादव जी यहां उपस्थित है, उसके पश्चात हमारे बड़े भाई श्री अविनाश यादव विक्की जी सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित, पूर्व महानगर अध्यक्ष थे श्री प्रदीप जायसवाल जी यहाँ उपस्थित है, हमारे बनारस की धरती से राज्य मंत्री श्री मनोज भैया जी हमारे यहाँ पर। अगर मैं नाम भी लेने लगूं तो हर घर में एक नेता समाजवादी पार्टी का, इसलिए
बस इतना बोलता हूं आपसे कि किस किस का मैं नाम लूं, किस किस का मैं नाम लूं, किस किस का जाऊं भूल, अरे किस किस का मैं नाम लूं, किस किस का जाऊं भूल। यहां उपस्थित सभी है नेताजी की बगिया के फूल। आपसे बता देता हूं अध्यक्ष जी कि हमारे महाविद्यालय से ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पढ़ के निकले हुए हैं। हम उस महाविद्यालय से निकल करके आए हैं और ये मंच मुझे मिला है। तो ये मंच मैं आपको बताता हूं कि आपने जिस तरीके से मुझ जैसे कायस्थ के लड़के को दिया, लोग कहते हैं कायस्थ का लड़का कलम चला सकता है, तो वही कायस्थ का लड़का आपने MLC का टिकट अशोक सिन्हा भैया को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपको बता देता हूं कि अशोक सिन्हा भैया को हम लोग इस बार MLC बनाने का कार्य करेंगे और विधान परिषद में लाने का कार्य भी करेंगे। आपके ही दिशा निर्देश से इस बार हम लोग हरिश्चंद्र महाविद्यालय में अनेकों कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं भी चाहूंगा जिस प्रकार से आप विश्वविद्यालय में आएंगे हमारे भी महाविद्यालय में आइएगा, क्योंकि हमारा जो काशी है वो इस समय प्राचीन सभ्यता को लेकर के वहां के लोग जो इस समय के प्रधानमंत्री महोदय हैं पाखंड रूपी जो कार्य फैलाए हुए हैं हमारे सभ्यता के साथ खेल रहे हैं, उस सभ्यता को दूर करने का कार्य अगर कुछ कर सकता है, उस सभ्यता को बनाए रखने का कार्य कोई कर सकता है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। भैया मैं ज्यादा समय तो नहीं हुआ इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए बस आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूं कि हमारा महाविद्यालय दक्षिणी विधानसभा में पड़ता है। आज तक हम लोग दक्षिणी विधानसभा में एक मजबूती नहीं दिखा सके, लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिला करके जा रहा हूं कि हम लोग इस बार दक्षिणी विधानसभा नहीं बनारस के 8 विधानसभा और लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी को लाने का कार्य करेंगे। दो शब्द बोल करके अपने वाणी को भी लाभ देंगे कि गंगा की कसम यमुना की कसम, गंगा की कसम यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, ये भाजपा वालों का जमाना बदलेगा, ये भाजपा वालों का। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध में जीत के आने के लिए काफी हैं आप, अकेले ही जमाने के लिए काफी हैं, और आपकी हकीकत को ख्वाब समझने वाले आप उनकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। मैं आवाज़ देना चाह रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की, जिनके आशीर्वचनों से आप सबको आशीर्वाद मिले और दिशा निर्देश ले। वीडियो बंद करा देना, वीडियो पीछे अल्ला बंद कर देना। हमारे साथ मंच पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय माधव प्रसाद पांडे जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अहमद हसन जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजी सरोज जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, आदरणीय बलराम यादव जी और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, पत्रकार साथियों, आज खुशी का दिन है कि बड़ी संख्या में नौजवान इस लोहिया सभागार में उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये बड़ी मेहनत कर करके जो छात्र संघ के पदाधिकारी जीते हैं, मैं इन सभी नौजवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही साथ जिन साथियों ने सहयोग कर करके इनकी मदद की है, एक एक नौजवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस सभागार में बड़ी संख्या में नौजवान हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं इसी सभागार में बैठा था, मंच पे हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे
और मैंने एक बात नौजवानों से पूछी उस समय सभागार में, जितने लोग थे उनसे पूछा, मैंने पूछा कि ये बताओ सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ कौन सी चल रही है। सभागार में जितने लोग बैठे थे उस दिन, उन्होंने कहा कि हमारी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, जो मुझे दिखाई दे रहा है मोबाइल पर, वो है चश्मा। और मंच पे जो हम लोग बैठे थे, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, याद होगा। और इस बात को मैं प्रेस के सामने इसलिए कहूं, राजेंद्र चौधरी जी भी उस समय मौजूद थे हमारे साथ। तो ये नौजवान, नए नौजवान हैं, ये चीजों को समझते हैं, आज के समय के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं उनको पकड़ लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो नौजवान मौर्य अपनी बात रख रहा था, जिस भावना से वो कह रहा था, जो बातें वो कह रहा था, यहां सभागार में जितने नौजवान बैठे हैं, मैं समझता हूं उस मौर्य नौजवान से अपनी भावना को जोड़ते होंगे। वो नौजवान जो चुनाव लड़ना चाहता था, मुझे नहीं पता था कि उसकी मेडिकल की स्टोर की दुकान है और जिसकी सरकार है वही रोक रहा होगा, जो सरकार में बैठे हैं वही रोक रहे होंगे। उस नौजवान ने पूरी घटना नहीं बताई, दूसरे ने, बनारस के, जिस समय चुनाव हो रहा था और ये नामांकन करने के बाद अपने जुलूस को लेकर के जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इन्हीं नौजवानों को घेरा, इन्हीं नौजवानों को घेरा, पूरा वीडियो जानते हैं, वीडियो देखा होगा लोगों ने, लोगों के साथ, इन नौजवानों के साथ अन्याय किया, तोड़फोड़ की, सड़क पर जो अन्याय कर सकते थे वो किया, मारपीट की। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि नौजवानों ने कोई चीज अपने हाथ में नहीं ली, अगर कोई चीज करके दिखाया तो वो जीत कर कर लेकर के आए हैं। मैं उन नौजवानों को बधाई देता हूं। वो वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियो अवेलेबल है, वहां के जो आईपीएस अधिकारी हैं, पुलिस कप्तान से मेरी बात हुई, मैंने कहा कि इन नौजवानों को घेर करके मारा है, इनकी गाड़ी तोड़ दी, बताओ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो बता दो आप। मैंने फोन किया, मैंने कहा कि ये जो वीडियो देख लो, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है किसने अन्याय किया है, किसने पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को पीटा, एसओ को पीटा उन्हीं लोगों ने, बताओ बनारस के लोगों, वो एसओ पीटे गए थे कि नहीं पीटे गए थे। वो घायल हो गए थे, लेकिन सरकार क्या कर रही है, वहां के पुलिस कप्तान क्या कर रहे हैं, उन्होंने भरोसा दिलाया था कि हम इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे, लेकिन न्याय नहीं दिलाया। इन पे तमाम गंभीर धाराएं लगा दी हैं। अरे अभी तो कह रहे थे कि हम खून बांधेंगे और तुम मुकदमे से डर गए। ये समाजवादी लोग हैं, मुकदमों से नहीं डरते हैं। और फिर जब मुख्यमंत्री अपनी धाराएं वापस ले रहे हो, तो तुम्हारी धाराएं तो सरकार बनने के बाद सब साफ हो जाएंगी। और फिर आपका तो विशेष स्वागत होना चाहिए, आपका तो विशेष स्वागत इसलिए होना चाहिए जहां सबसे पुराने शहर से आप आए हैं, वो शहर वाराणसी, लेकिन मैं कहूंगा आप क्यूटो से आए हैं।
और मैं नौजवानों आपको कहना चाहता हूं, इन पदाधिकारियों को पासपोर्ट बनवा के रखना, जब समाजवादी सरकार बनेगी तो यही छात्र संघ के नौजवानों को मैं क्यूटो दिखाने का काम करूंगा। कम से कम ये देखें तो सही कि क्यूटो कौन सा शहर है, कौन सा सपना दिखाया गया था, कितना बड़ा सपना दिखाया, और सड़क पे कौन घूम रहा है बनारस में। नौजवान साथियों, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको, और आप क्योंकि नई पीढ़ी के लोग हैं, नई उम्र के लोग हैं, ज्यादा ऊर्जा है, इस ऊर्जा को बचा के रखना, क्योंकि सही समय पर ऊर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि समाज को भी आप दिशा दिखा सकते हो, और देश की राजनीति को जब कभी भी जरूरत पड़ी होगी, इन नौजवानों ने अपनी भूमिका निभाई है इस देश को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, और राजनीति को नई दिशा देने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जब संघर्ष का रास्ता अपनाया आपने समाजवादियों के साथ, तो समाजवादी लोग कैसा देश या समाज बनाना चाहते हैं, हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं, और जिनसे आपका मुकाबला है वो समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग संविधान बचाना चाहते हैं, वो संविधान को कुछ समझते नहीं हैं, वो संविधान की परवाह नहीं करते हैं। हम समाजवादी लोग भेदभाव को मिटाना चाहते हैं, ये भेद बीजेपी के लोग भेदभाव रख करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं। बताओ यहां कोई ऐसा हमारा साथी बैठा जिसके घर में पूजा ना होती हो? बताओ कोई साथी ऐसा हो, है कोई ऐसा तो बताओ हमें। हमारे घर में तो है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको, ये जितना दिखाई दे रहा है, जितना दिखावा है, ये हमें और आपको ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें आपको भटकाना चाहते हैं। अगर हम को रोजगार के लिए पूछें तो बताओ नौजवानों, आपको एनपीआर चाहिए कि रोजगार चाहिए? सवाल यह है। बताओ, हम तो हैं ही यहां के नागरिक, हम सब नागरिक हैं यहां के, कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं तय कर सकता कि हम नागरिक हैं कि नहीं हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हमारे पुराने लोगों ने हमें सिखाया है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे, उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था, कुछ कार्ड उठा करके जला दिए थे उन्होंने, जरूरत पड़ी तो ना हम फॉर्म भरेंगे, हमसे फॉर्म कैसे भरवा लोगे? अगर जरूरत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा। अगर आप साथ दोगे कि नहीं दोगे, सवाल ये है। हम नहीं भरते एनपीआर, क्या करेंगे आप बताओ, भरोगे आप? और नहीं भरोगे तो हम और आप सब निकाल दी जाओगे। हम तो नहीं भरेंगे, हम तो नहीं भरेंगे, बताओ भरोगे आप? इसलिए जितने भी भारत के लोग हैं, पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है। आप बात समझे नहीं, आप चीज को नहीं समझ पाए। यह अन्याय इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं,
ये जो अन्याय दिखाई दे रहा है, जो लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से, उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। और ये बात समझो, इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो जानते हैं कि 200 विधायक उनके खिलाफ सदन में बैठ गए थे। बताओ, 200 विधायक बैठे थे कि नहीं बैठे थे? और कभी विधायकों का मन टटोलना, 300 से ज्यादा विधायक उनसे नाराज हैं। ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगले 6 महीना कोई कुछ नहीं पूछेगा, और अगर 6 महीना नहीं पूछेगा कोई, तो ऐसी हट करके बैठ जाएंगे वो कि अगले 1.5 साल कोई नहीं हटा पाएगा। ये जो अन्याय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहता हूं, क्या ऐसा देश है हमारा? अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांगना चाहें तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलेगी? अगर उस परिवार के सदस्य जानना चाहें कि किसकी गोली से जान गई है, वो सच्चाई नहीं पहुंच सकती, उनसे सच्चाई नहीं जानेंगे? आखिरकार कौन है जो ये बातें छिपा रहा है? कौन लोग हैं जो घबरा रहे हैं जनता से कि जनता के बीच में अगर सच्चाई चली गई तो? सच्चाई जाने के बाद जब जनता को मौका मिलेगा तो इनके से हिसाब किताब करेगी। बताओ, रोजगार कहां है? बताएं कोई हमें। कोई इनसे सवाल न पूछे कि इन्वेस्टमेंट आया है कि नहीं आया है। बताओ, 6 महीने कोई इन्वेस्टमेंट पूछेगा इनसे? उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, 0 इन्वेस्टमेंट। कारखाने लगाएंगे नहीं लोग, उद्योग लगाएंगे नहीं। और क्या हम भूल गए वो बात? क्या वो बात हम भूल गए? नोटबंदी पे क्या भरोसा दिलाया था देश को, बताओ आप? कहा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ, बनारस के लोगों कहां खत्म हो गया भ्रष्टाचार? और कहां कालाधन आ गया? हमारी बैंकें डूब गई, बैंकें डूब गई हमारी। जिन उद्योगपतियों ने कारखाने उद्योगों ने लिया पैसा बैंकों का, वो पैसा नहीं देंगे, ये सब बातें छिप जाएंगी। जो GST लगा करके कहा कि सरलीकरण हो जाएगा व्यापार, बताओ GST लगने के बाद कौन सा व्यापार का सरलीकरण हो गया? इसलिए ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था ICU में पहुंच गई है। ICU में अर्थव्यवस्था है, ये हम नहीं कह रहे, और शास्त्री कह रहे हैं। हम तो कहेंगे कि ICU के बाद भी एक और नई ICU बन गई है, वहां पहुंच गए ये लोग, अर्थव्यवस्था वहां पहुंचा दी है। अब तो अस्पताल में ICU से भी ऊपर एक और ICU होती है, तो अर्थव्यवस्था वहां पहुंचा दी है, वहां पहुंच गई अर्थव्यवस्था। और याद रखना, कोई जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी। हमने नोटबंदी के समय में भी बिना भेदभाव के जो लाइन में खड़े हुए थे उनकी मदद की थी। जो लोग उत्तर प्रदेश के गरीब लोग जो लाइन में खड़े थे, देश में किसी ने मदद नहीं की थी उनकी, हम समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की थी। उनके परिवार को, लोगों को बुला करके हमने सरकार से पैसे देने की काम किया था। ये जो निर्दोष लोगों की जान गई है, अगर हमें मदद भी करना पड़ा तो पार्टी की तरफ से इन तमाम परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए BJP की चालों से बचना हमारा आपका लक्ष्य है, BJP को हटाना और देश को नए रास्ते पर ले जाना। हम उनका खेल नहीं खेल सकते, हम कैसे खेलेंगे उनका खेल? और खेलना भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो हमारा खेल नहीं जानते। बताओ, वो क्रिकेट खेल लेंगे क्या? बताओ, क्या फुटबॉल खेल लेंगे? क्या वो साइकिल चला लेंगे? तो फिर हमने अध्यक्ष जी को याद दिलाया, हमारे अध्यक्ष जी थे उस समय सदन के,
जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे और जब कोई जीत जाती थी टीम, हम सरकार के लोग और अधिकारी लोग क्रिकेट खेलते थे, कप को देने आते थे आप, बताओ इस सरकार में संभव है क्या? इसीलिए वो बैठ करके खेल खेल रहे हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बच जाए, कुर्सी बचाने की खेल खेल रहे हैं। ए बनारस के लोगों, तुम्हारे यहां दूसरी चीज भी चलती है, क्या चलता है वो? कभी कभी ठंडाई में तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। बताओ, जो उनके सबसे बड़े नेता थे उनके लिए कुछ नहीं कर पाए? उनकी भी प्रतिमा बताओ कहां खड़ी कर दी? अच्छा हुआ कि ऑफिस नहीं देखा किसी ने, और यकीन करो अगर ऑफिस देख लिया होता तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बचते नहीं, क्योंकि इतना सुंदर ऑफिस बनाया है, पीएमओ भी इतना सुंदर नहीं है, ये सच्चाई है। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि बताओ कोई धर्म किसी कैंसर के मरीज का इलाज कर सकता है क्या? बताओ हमें, कोई धर्म हो बताओ हमें अगर कैंसर का इलाज कर दे। आज हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा कैंसर, हार्ट और ये बीमारियां हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है। हमें डॉक्टर आए बीएचयू के, कह के गए कि जितना कुछ हो पहले होता था आज वहां भी नहीं है अस्पताल में इलाज, इस कोई दवाई का इंतजाम नहीं कहीं पर, और आपकी सरकारी व्यवस्था सब चौपट हो गई। बताओ कोई व्यवस्था चल रही हो इलाज की, गरीब को कहीं इलाज मिल रहा हो? और फिर बैंकों में ऐसी चोरी हुई है, डकैती, कि आज तक चोर नहीं पकड़े गए। बताओ बैंकों की डकैती वाले चोर पकड़े गए कोई? अरे वो तो कागज से पैसा निकाल ले गए, वो तो नहीं पकड़े जाएंगे। जो एटीएम तक छीन ले गए वो तक नहीं पकड़े गए, बताओ एटीएम वाले पकड़े गए क्या? एटीएम तक उठा ले गए लोग। तो सरकार आखिरकार कर क्या रही है? और हम तो कह रहे हैं अभी तो 2 साल हैं, अभी तो हमारा काम बहुत बाकी है, बहुत बाकी है अभी काम। इसलिए अगर आप चाहते हो प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेसवे बने, अच्छी सड़कें बने, अच्छे अस्पताल बने, अच्छे स्टेडियम बने, और बच्चों को कम से कम लैपटॉप मिले, ये बनारस के लोग और जितने नौजवान यहाँ बैठे हैं, बताओ हमारी सरकार के दिए हुए लैपटॉप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर नहीं हटी होगी उसमें, तो आपका लैपटॉप अभी भी चल रहा है, और बीजेपी का शौचालय चल रहा है कि नहीं चल रहा है बताओ? आप शौचालय चाहते हो कि लैपटॉप चाहते थे आपको करना है? वो शौचालय की तरफ ले जा रहे हैं बताओ, और हम आपको लैपटॉप देके कहीं और ले जा रहे हैं, तो सोचो क्या फर्क है। ये छिप जाते हैं कभी कभी कुन चीजों के पीछे, ये जो जेब में पुड़िया लेकर के घूमते हैं उससे बचाना, ये जो पुड़िया है उससे बचाना। इसलिए बहुत सी आजादियों को खतरा है, हम और आप कुछ बोल नहीं सकते, उसका खतरा है। मैंने उस दिन कहा कि ये धारा 144 लगाए हो आप, हमने कहा जैसे तुम्हारी सरकार है और जैसी तुम्हारी बातें हैं उतनी ही कमजोर धारा 144 है। मैं यहां से लखीमपुर तक गया,
हर जगह तोड़ते चले गए धारा 144 और लखीमपुर से वापिस आ गए धारा तोड़ते तोड़ते। बताओ कहाँ थी पुलिस आपकी? अभी एक सिपाही से मैंने बात की, थोड़ा उम्रदार था, मैंने कहा ये बताओ, वो तो तुम्हारी जन्म की सर्टिफिकेट के बारे में मैं नहीं जानना चाहता, तुमने तो अपना जन्म का सर्टिफिकेट जुगाड़ कर करके बनवा लिया होगा, लेकिन ये बताओ अगर तुम्हारे माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट और बर्थ प्लेस पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे? तो ये जो लाठी चला रहे हैं इन्हें भी नहीं पता कि क्या खतरा इनके साथ होने वाला है। जिस समय इन्हें बता दोगे लाठी वालों को कि सुनो तुम्हारे भी माता पिताजी के कार्ड मांगे जाएंगे, उस दिन के बाद वो लाठी नहीं चलाएंगे। ये गाँव में रहने वाले लोग बताओ आप, गाँव में है घर किसी का? नहीं है, सबका घर है। बताओ बनारस में घर होगा उसकी तो रजिस्ट्री होगी, लेकिन गाँव में जो घर है उसके कागज कहाँ है बताओ तुम? है कागज कहीं के नहीं है बताओ? ये तो पत्रकार साथी कह रहे हैं इन पे भी कागज नहीं है, इसलिए अपना ध्यान मत हटाइए। फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो कैसे निकाल लोगे हमें आप? और फिर अगर ये बात है कि आपने आरक्षण खत्म करने का काम किया और कहा कि क्योंकि एंग्लो इंडियन इतने हैं देश में आबादी में, आपने एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन होता वो खत्म कर दिया, तो बताओ हमें और आपको कब गिनोगे? पहले कांग्रेस ने नहीं गिना, अब ये नहीं गिनना चाहते, हम गिनवाना चाहते हैं कि हमें गिन लोगी, हम कितने हैं समाज में? बताओ हमारे नौजवान मौर्य जी गिनवाना चाहते हो समाज में कितने हो कि नहीं गिनवाना चाहते हो? क्योंकि आप तो यादव से ज्यादा हो, होना कि नहीं हो यादव से ज्यादा? अरे देखो हमारा मौर्य साथी कह रहा हम यादव से ज्यादा है गिनती, तो क्यों नहीं गिन रहे हो आप? हमारे कुर्मी भाई हमसे ज्यादा है, गिनो समाज में, क्यों नहीं गिन रहे आप? हाँ उनको तो जरूर गिनना है, ऐसी ऐसी हमारे ये बैठे हैं इंजीनियर सरोज जी, हम तो कह रहे हैं कि हम सबको गिन लो। ये जो आ रहा है चाहे NRC हो चाहे NPR, ये हर गरीब के खिलाफ है, हर गरीब के खिलाफ है, हर माइनॉरिटी के खिलाफ है, हर मुस्लिम के खिलाफ है। इसलिए जो जमीन पे नहीं दिखा पाए, जो क्यूटो नहीं बना पाए, जो गंगा नहीं साफ कर पाए, वैसे हमें लगता है गंगा मैया में कुछ तो है ताकत, कुछ तो है गंगा मैया में। देखो जो गंगा मैया को धोखा देगा वो बचेगा नहीं, वो आपने देखा कि नहीं देखा बताओ? इसलिए जो गंगा मैया को नहीं साफ कर पाई, कोई गंगा मैया को साफ करेगा तो वो समाजवादी लोग होंगे जो साफ करके दिखा देंगे, और लखनऊ में करके दिखाया है। ये 900 मीटर जुड़ जाती तो देश की पहली नदी होती जो शहरों में साफ सुथरी बहती। यही गंगा एक्शन प्लान 1 था, यही आज कर रहे हैं, तो बताओ समाजवादी पार्टी का मॉडल क्यों नहीं अपना रहे आप? वही मॉडल से नदियां साफ हो सकती हैं। इसलिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं अपने छात्र संघ के नौजवानों को, और जिन्होंने जिताया उनको ज्यादा बधाई और धन्यवाद, और यहां आए हैं मुझे खुशी है, नए वर्ष पे नई चीजें होंगी, और जिनके साथ अन्याय किया सरकार ने, हम समाजवादी लोग उन परिवारों के साथ हैं, उनकी मदद करेंगे, और जिन लोगों ने अन्याय किया है ये सरकार जांच करे, हम चाहते हैं कि जांच हो, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो वीडियोस, वो CCTV फुटेज सब कुछ अवेलेबल है, जब समाजवादी सरकार बनेगी ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। और फिर ये बताओ बुलंदशहर में पुलिस के अधिकारी को किसने मारा? वो पूरी CCTV और वीडियो अवेलेबल है, बताओ सरकार ने एक को भी पकड़ा हो तो बता दो।
चली जब तक चिलम ना निकली। बहुत धन्यवाद। सभी नौजवान साथी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे।